साल दर साल कीर्तिमान बनाना योगी आदित्यनाथ को बखूबी आता है। एक निजी न्यूज चैनल की ओर से किए गए सर्वे ने फिर इस बात पर मुहर लगा दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का कोई जवाब नहीं। 2020 में देश के सबसे तेज मुख्यमंत्रियों के लिए हुए सर्वे में योगी नंबर वन बनकर उभरे। सर्वे में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बंगाल की ममता बनर्जी, राजस्थान के अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पर भारी पड़े। सर्वे में नंबर दो पर रहे उद्धव ठाकरे और योगी को मिले वोटों में भी खासा फर्क रहा। इस चैनल के सबसे तेज अवार्ड 2020 में वाराणसी से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे तेज राजनेता चुना गया है। वही गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे तेज मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। चैनल ने खेल, फिल्म और राजनीति के क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को सबसे तेज अवार्ड्स के लिए जनता के वोट से चुना। इसमें दर्शकों ने गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी अपना वोट दिया। दर्शकों के सर्वाधिक वोट के आधार पर 2020 के सबसे तेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने गए, तो सबसे तेज राजनेता का खिताब पीएम नरेंद्र मोदी के नाम रहा। योगी आदित्यनाथ पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उनको ये सभी उपलब्धियां पहले ही कार्यकाल में मिलना उनकी कार्यशैली को औरों से काफी अलग करता है। मुख्यमंत्री बनने के पहले सिर्फ 42 वर्ष की आयु में एक ही सीट से लगातार 5 बार चुने जाने वाले देश के इकलौते सांसद हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कुछ महीने पहले फेम इंडिया की रिपोर्ट में सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में भी योगी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए थे।